हाँ तो 9 बजे तक कोई दिक्कत नहीं, 9 बजे से है। हाँ तो आराम से चल जाएगा। देखो निकालो किताब, क्या बता रहे थे बोलो। रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था, 8 तक हो गया था। नौवा नंबर, नौवा नंबर क्वेश्चन देखो। अब देखो किताब उतार उठा पटक काहे के लिए, नौवा नंबर क्वेश्चन देखो, नौवा खाली क्वेश्चन देखो, ऐसे हम पढ़ देते हैं। नौवा नंबर क्वेश्चन में लिख ले, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। फिर से ध्यान से पढ़ो, फिर से उसको पढ़ो। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए। अरे पढ़ना है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि किस प्रकार का है, बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत है। क्वेश्चन नंबर कैमा है 9, 9 ने देखो 9 के पहला नंबर क्वेश्चन जरा देखो, 9 के पहला क्या, 9 के पहला बोली 36/100, 36/100। ये तो यही देख के समझ में आ जाता है कि नीचे 2 को 0 है। अगर 2 को 0 है तो कोई टेंशन ही नहीं, अगर नीचे 2 को 0 है तब तो कोई टेंशन नहीं। टेंशन नहीं मतलब डायरेक्ट 36 है ना, तो 1 अंक और 2 अंक, 2 अंक के बाद जहाँ पे दशमलव दो, इसके पहले नहीं कुछ तो कोची बैठा दो 0। अब साफ झलक रहा है कि इसका दशमलव प्रसार कैसन है, शांत है कि अशांत है। तो शांत बोलेंगे, शांत काहे बोल रहे हैं दशमलव प्रसार। अरे पूरा पूरी तो नहीं कटा लेकिन दशमलव के बाद कट गया। एक चीज़ और तरीका कि शांत काहे बोल रहे हैं, तो हर को देखो, हर कितना है 100, हर है 100, इसको तोड़ो, हर को तोड़ो, तो हर को तोड़ेंगे तो 5 5 और 25 2 50, और 50 2 100, मतलब गुना करके देख लो 100 आ जाएगा। 5 5 25 25 50 50 2 100 100 आ जाता है ना। यानी कि अगर हम 100 को तोड़ें तो सिर्फ हमको एक ही चीज़ नज़र आया, मतलब दो चीज़ नज़र आया, एक तो 5 और एक को 2। और हम बोले थे कि अगर 5 या 2 आएगा, इधर देखो तू नीचे देखते रहता है, कभी उन्हें देखते रहता है, इधर इधर अब हमको देख रहा है, इधर देखो, हाँ इधरे देखो, इधरे देखना है। 5 5 कभी कभी इन्हें उन्हें हो जाता है ध्यान कितना कि 5 5 2 2 सिर्फ 5 5 इसलिए शांत है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलो, देखो कंसंट्रेशन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलो, 10/3। अब यहाँ बताओ कि इसका दशमलव प्रसार शांत है क्या शांत है, कैसन है बताओ, तुम ही बताओ, शांत है क्या शांत है, अशांत काहे अशांत है, इसका दशमलव प्रसार अशांत काहे है, नहीं कट रहा काहे नहीं कट रहा, भागा देके थोड़ा देखेंगे हम। दशमलव प्रसार इसका अशांत इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसके नीचे में खाली चेक करता है, नीचे क्या है 3 है। अगर नीचे सिर्फ 3 है, मतलब 2 5 2 नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर दिखाई देगा, मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसन है, यहाँ 3 है इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसन होगा, अशांत होगा। बाकी रहा कि दशमलव में बदलो तो भागा दे देना 3 से, क्योंकि बटा में 3 है, 3 से भागा देना, किस में भागा देना 10 में। बोलो 3 का कई बार पढ़ें कि 10 आएगा, 3 बार 3 3 9, अब 10 में से 9 गया तो घट के कितना 1, ठीक है अब नहीं लगता, अब क्या करें। अरे यहाँ दशमलव बैठा के 0, बोलो 3 का कई बार पढ़ें कि 10 आएगा, फिर 3 3 9, फिर घट के फिर 1 0 बैठा दो, फिर 3 3 9, मतलब ये ऐसा ही कटेगा ना, ऐसी लगते जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। किसी को और ज़्यादा अच्छा लिखना है तो अशांत के बाद एक चीज़ लगा देना, अशांत आवर्त। तो दशमलव प्रसार अगर बोले तो लिख देना 3.3333, ये हो गया दशमलव प्रसार। जैसे यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या था 0.36, दशमलव प्रसार 0.36 था, और यहाँ क्या है 3.33, ये शांत था, इसको क्या बोलेंगे अशांत। यहाँ लिख सकते हो जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करो, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलो क्या है, 1/11। अब 1/11 ये तो पहले तो ऐसा ही झलक गया कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, शांत नहीं है, काहे नहीं शांत है, बटा में कितना है। अरे अगर बटा में 11 है तो एक दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, कैसन होगा। अब रहा बात कि इसका दशमलव प्रसार लिखो तो 11 से भागा दो ककरा में, 1 में। बोलो 11 का बार पढ़ें कि 1 आएगा, अभी नहीं करेगा 0 बार दे के फिर एक दशमलव दे दो, फिर 1 बार 0। अब 11 का कई बार पढ़ें 10 आएगा,
अभी वो नहीं आएगा, तो हम दशमलव के बाद एक ही बार जीरो दे सकते हैं, बार बार जीरो नहीं दे सकते हैं, एक बार। अब अगर जीरो बैठाना था यहाँ पे जीरो बैठा के जा जीरो दो, अब अगर कितने बार पढ़ें कि सौ आएगा, नौ बार, तो नौ बार पढ़ जाओ, नौ बार पढ़ेंगे तो अगर नमा निन्यानवे, घटाओ आता घटाओ एक, फिर दशमलव दिए तो एगो जीरो दे सकते हैं, लेकिन हम दशमलव के बाद एक ही जीरो दे सकते हैं, बार बार जीरो नहीं, अब कैसे लगाएं, फिर जीरो दो फिर ये जाएगा जीरो। अब बोलोगे अगर का कई बार पढ़ें अगर नंबर, फिर घट के कितना, फिर एगो जीरो, फिर जीरो, मतलब गौर से देखो तो बार बार वही बतिया रिपीट हो रहा है। यानी पहली बात है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत। कोई और ज़्यादा अच्छा से लिखना चाहे तो बोलेगा अशांत आवर्त, तो ठीक है दशमलव में बदलिए ना क्या होगा, तो आंसर बोलना कि जीरो दशमलव और जीरो नौ, जीरो नौ, जीरो नौ, बार बार रिपीट कौन सी हो रहा है, बार बार ध्यान से देखो जीरो नौ जीरो नौ जीरो नौ, तो इसके ऊपर चाहो तो ऐसे करके रेकरिंग दे देना, रेकरिंग माने बार बार रिपीट कौन हो रहा है, जीरो नौ जीरो नौ। ऐसी चौथा क्या है बोलो, सात बटा बन जाएगा, सात बटा आठ। पहले ही बताओ किसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, काहे शांत बोल रहे हैं, क्योंकि बटा में आठ है, हर को तोड़ेंगे तो दो गुने दो आएगा, और जब सिर्फ दो गुने दो आएगा इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार भागा दे के देख लेना कि पूरा पूरी कटता है कि नहीं, भागा दे दे कि आता है भागा, भागा दे भी अगर कहें इसको भागा दो, पहले तो लिखना कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रसार, फिर अगर कहेंगे ठीक है शांत दशमलव प्रसार है तो क्या होगा, भागा दे के बताओ, तो कहीं भी भागा दे दो, चाहे यहीं पर भागा दे दो, नीचे नहीं लिख रहे दिखाई नहीं देगा, ज़्यादा नीचे लिखेंगे तो दिखाई दे रहा, फिर भी नहीं लिख रहे हैं, चलो इधर भागा दे देते हैं, आठ से भागा दे देना, किस में, सात में, बोलो आठ का कई बार पढ़ें सात आएगा, जीरो देखे दशमलव यहाँ पे जीरो, बोलो आठ का कई बार पढ़ें, अब सत्तर आएगा, अठी अठी चौंसठ, अगर चौंसठ लगाएं तो घटाने के बाद कितना आएगा, छः, फिर खत्म, फिर जीरो, फिर बोलो आठ सत्तर, फिर घट के कितना, फिर जीरो, फिर आठ पचे, अब तो पूरा पूरी कट गया ना, देखो पूरे पूरी कट गया, इसलिए कह रहे थे कि उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो बोलो ना कि जब सात में आठ से भागा दिए तो कितना आ गया, जीरो दशमलव आठ सात और यही आंसर होगा। उतार लो अगर लिखना चाहो तो, रुकते हैं एक दो मिनट के लिए, इसको लिखना चाहो तो लिख लो, हो गया। देखो लिख तो बाद में भी लेना घर से। दसवां नंबर क्वेश्चन देखिए, दसवां नंबर क्वेश्चन देखो, देखो दस में क्या है, दसवां नंबर क्वेश्चन दस में दे ले होगा कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें, तो भागा दे के लिख लेगा, इसमें ये नहीं बताना है कि शांत है या अशांत है, ये सब नहीं बताना है, दशमलव में लिखा जाएगा कि हम ही बता दें, भागा दे दे के हो जाएगा ना। जैसे कि पहले नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें कि इसमें पहले नंबर बताइए सूर्यम क्या है, चलो यहाँ देखते हैं कैमा नंबर, दसवां नंबर ने, दस के पहला नंबर, दस के पहला नंबर है तो सोलह से भागा दे देना, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसे बिना भागा दे ले भी बना सकते हैं, एक और तरीका है, लेकिन वो तरीका मत देखो, तो भागा दे के बना लो। दूसरा नंबर क्या है, दस बटा तीन, अभी तो बताए थे दस बटा तीन कहाँ, अरे अभी बदबल होगा, कैमा नंबर, दूसरा यहाँ पर भी दस बटा तीन है, उसके बाद फिर क्या है, तीसरा नंबर अगर बात करें तो तीन बटा
धागा दे दो कि अभी 3/11, तो बटा 11 वाला भी एगो बताए थे, 3/11 ने 1/11 वैसे ही बन जाएगा ना सब। इसमें कई हिसाब है, 7 गो है, 7 गो 8 गो जो भी है इसको बना लेना, ठीक है। तो 10 नंबर छोड़ देते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखो, 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 में क्या है, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन देखो, ग्यारह नंबर में लिख लिया होगा, दिखाएं कि निम्नलिखित संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यही ना, ठीक है दिखा देंगे। आगे फिर क्या, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, ठीक है वो भी दिखा देंगे। और एक बात क्लियर कर दिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। चलो देखो क्या कह रहा है, पहले नंबर क्वेश्चन की बात करो, शुरू में स्टार्टिंग क्वेश्चन देखो, शुरू में क्या है, पहले क्वेश्चन की बात करो, 1.27, इधर देखो इधर, अरे इधर इधर बाबू, इधर इधर उधर ने इधर, यहाँ 11 के पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 1.27, अब अंदर 1.27 पे रेकलिंग क्या कह रहा है, इधर देखो उसको मत देखो, यहाँ कौन आ रहा है जा रहा है उसको आने दो, अपना काम कर रहा है कर रही है। 1.27 इसको लिखना क्या है, पी बटा क्यू के रूप में, कैसे लिखेंगे यहाँ देखो, ये जितना दिखाई दे रहा है ना, जो भी दिखाई दे रहा है, 1.27 कुछ नहीं बोलना है, 127 सिंपल लिख देना है, बस 127 लिख देना, 127 लिख दिए। अब इसमें से घटाना है किसको, रेकरिंग छोड़ के देखो, रेकरिंग छोड़ दिए 2 और 7, तो बचा कौन सी, एक को घटा दो और नीचे लिखो आप 10 माइनस 10। अब ये 10 पे पावर कितना देना है, तो हम सिखाए थे कितना देना है, 2। क्यों बोल रहे हैं 2, क्योंकि दशमलव के बाद कई गो नंबर है, 2 गो, तो ऐसा हो गया 2 पावर। अब दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कुछ दिखाई दे रहा है, दशमलव के बाद 2 नंबर है, दोनों पे रेकरिंग है, एगो भी वैसा नहीं है कि जिस पे रेकरिंग नहीं है, विदाउट रेकरिंग वाला एको नंबर नहीं, तो हो गया। ऊपर घटाएं तो 127 में से अगर 126 हो जाएगा, आई हो गया 10 के स्क्वायर माने 100, और 10 पे पावर 0 माने 1, अब तो नहीं जानते कि 126 हो जाएगा, 100 में से 1 घटा दो, 99, देखो काटे ले आता है तो काटो, अब काटेंगे कैसे, यहाँ देखो कैसे काटेंगे, ये और ये दोनों 3 से कटेगा, 3 6 12, और ये भी 3 से कटेगा, 33, और 3 से कटेगा, 11 3 33, आई कटेगा 14 3, तो पूरा काट छाट के जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 14/11, हो गया पी बटा क्यू के रूप में, लिखना है कि बन जाएगा, और अगर नहीं बना तो, मान लो भूल गए तो पढ़ा ले नहीं टोबा पे, वहाँ से देखना, अगर भूल भी गया तो तू समझे पे ध्यान दो, छापे पे नहीं। दूसरा नंबर ऐसा तो नहीं है कि अगर समझ गए दिमाग से घरे जाते जाते अगर निकल गया तो क्या करेंगे, वहाँ किससे पूछेंगे, अरे यूट्यूब पे पढ़ल रहेगा, टेंशन नहीं लो, पहले समझने पे ध्यान दो। आओ 0.3333 रेकरिंग, 0.33 रेकरिंग, समझो बापू देखो, ठीक है ऐसा नहीं है कि तू जानता है बहुत बड़ा विद्वान है, समझो 0.333 पे रेकरिंग मतलब बार बार रिपीट कौन हो रहा है, 3, यानी रेकरिंग किस पे है, 3 पे, 33 पे ना, कितना लगेगा 33, अरे 33 नहीं रिपीट हो रहा है, सच्चाई तो है कि रिपीट कौन हो रहा है, सिर्फ 3, इसलिए 3 पे देख रहे हैं। अब पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, तो सबसे बन जाएगा ये वाला, बन जाएगा ना, कितना देरी में, चलो 30 सेकेंड के टाइम दिए, बनाओ जल्दी, 30 सेकेंड के ही टाइम दिए, और ज़्यादा ने टाइम स्टार्ट तो नहीं, बताओ कितना आंसर होगा, हाँ तो ऐसू सबके मालूम रहता है, लेकिन बनावे लो सीख जाओगे ना तो भारी भारी हिसाब बन जाएगा। अब ऐसे तो रटल रहता है कि 1/3, इके रोज पूछो तो रटल है सबके कि 1/3, लेकिन कैसे वो समझना, तो पहले देखना है कि कितना है, 0 और 3, तो 0 और 3 मिलके 30 बना लेगा, हाँ
ये 30 है, पहले 30 लिखो, 0 और 3 30 है, ये 30 बोल रहा है तो हाँ में हाँ, ये 3 में है, और 3 में से घटाना किसको है, रेकरिंग छोड़ दो, रेकरिंग छोड़ के बाकी कितना बचा ली बताओ, 0, 10 घटाओ 10, दशमलव के बाद नंबर बताओ कि कई गो है, दशमलव के बाद एक गो है तो एक पावर, दशमलव के बाद विदाउट रेकरिंग वाला एको नंबर बता, जीरो, एगो भी नहीं, ऊपर तो 3 हो गया, नीचे अगर देखे तो 10 के पावर 1 मने 10, और 10 के पावर 0 मने 1, 9, 10 के पावर 0 मने, किसी पर भी पावर अगर 0 दिखाई दे तो उसका मान कितना है, ऊपर तो 3 हो गया, नीचे सोचो 10 में से 1 गया 9, तो इसे ही वाला कट गया और आंसर कितना हो गया, 1/9, 1/3। अच्छा ये तो आसान था, बड़ी जल्दी तो नहीं बना दिया, एक और हिसाब, और 0.6 पर रेकरिंग, 6 पर रेकरिंग 2/3, बहुत अच्छा 2/3, 2/3 रहा बात बना के बताइए, ठीक है बना लेते हैं, पहले लिखेंगे कितना 6, रेकरिंग छोड़ के बाकी जितना बचल है कितना बचल है, 0, 0 घटा दो, और 10 घटाओ 10, ये 10 पे पावर देना है, क्या देखेंगे, देखेंगे दशमलव के बाद कई को नंबर है, ये को विदाउट रेकरिंग वाला कई नंबर है, 0, ऊपर तो 6 हो गया, 6 में से 0 गया तो 6, लेकिन 10 के पावर 1 मने 10, और 10 पे पावर 0 मने 1, अब यहाँ जरा ध्यान से समझो, 6 और बटा में 9, ये दोनों काट दो 2 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3, आंसर हो गया 2/3, ठीक है। तो इसी तरह से जरा अगर बना लेते हो तो चौथा नंबर बता, 0.235535 .. देख लेंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा, दिख रहा है नहीं दिखाई देता, दिखाई दे रहा है ना, चलो दिखाई देता है तो 23/99, पहले से बने लिया कि तो 233/999, चलो हम ही बताते हैं, ये जितना दिखाई दे रहा है ना, हाँ देख लेते हैं, इसको पहले सही से लिखते हैं, 0.235, बार बार रिपीट कौन हो रहा है, 3535, इसलिए हम बोलेंगे 35 पे रेकरिंग, 35 पर रेकरिंग क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, 3535, तो 35 पे रेकरिंग क्योंकि बार बार रिपीटे हो रहा था, 35, 35, 35, अब जितना दिखाई दे रहा लिख दो, 2 है 3 है 5 है सबको लिख दिए, तू मत लिखो हमरा लिखे दो, 2 3 5 सभी लिख दिए, रेकरिंग छोड़ के सभी घटा दो, रेकरिंग छोड़ के कौन सी बचल है, 3 5 अगर छोड़ दे तो बाकी क्या बचल है, जैसे 0 और 2 मैंने 20 नहीं बोलना है क्योंकि पहले 0 है तो इसका मतलब ये 20 नहीं है, ये सिर्फ 2 है, तो 2 को घटा देंगे, नीचे लिखेंगे 10 घटाओ 10, पहले 10 पे पावर, और 10 पे पावर सोचना है तो दशमलव के बाद कई नंबर दिखाई दे रहा है, कहेंगे ऐसे तो ढेरे मनी पे ध्यान नहीं देना, हम 3 5 को रोक दिए रेकरिंग पे, यहाँ 10 के पावर 3, अब माइनस 10 पे पावर कितना, 10 पे पावर 1, बोलो अब ये काहे लिखें, क्योंकि दशमलव के बाद विदाउट रेकरिंग वाला जिस पे रेकरिंग नहीं है वो कई नंबर था, एगो है ना, इसलिए दे दिए, 235 में से अगर 2 घट भी गया तो घटा तो होने क्या आता होगा, 233, अब बटा में 1000 माइनस 10, ऊपर तो 233 हो गया, नीचे सोचो 1000 में से अगर 10 घट भी गया तो 990, ये काटने की जरूरत नहीं है, इतना जितना आया है उतने पे छोड़ दो, काटे कोई जरूरी नहीं, ये काटना बांटना नहीं है, गधा उधारे
यूट्यूबों पे ये सब बुलवाता है हमसे, हाँ हम नहीं चाहते, लगता नहीं भाई यूट्यूब पे अच्छा अच्छा भाषा बोले, देख रिंग पे देख रहा है, आधा अधूरा समझता है, नीचे 10 के पावर 3 होता है ये समझते हो, ये कैसे आता है, ये समझना होता है ना कि दशमलव के बाद कई गो नंबर है, दशमलव के बाद कई गो नंबर है, तो दशमलव के बाद कई गो है, 2, 3, 5 मतलब कई अंक दिखाई दे रहा है, 3 को, वैसे तो कहेगा ढेरे मनी, अरे ढेरे मनी नहीं देखो, जो रेकरिंग है उसको तो कम से कम रोको और तब देखो दशमलव के बाद कई गो डिजिट्स है, 3 को, तीनों लिखना, उसमें से घटाना को जी है तो घटाना वो वाला है जिस पर रेकरिंग नहीं है, अब कौन है जिस पर रेकरिंग नहीं है, 2 मतलब सिर्फ एक ही डिजिट्स है जिस पर रेकरिंग, तो जिस पर रेकरिंग नहीं है वो कई गो डिजिट्स है, 1 एक ऐसा डिजिट से जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटा देना है, देखो नीचे जो भी कहानी चल रहा है 10 10 नीचे क्या है 10, तो नीचे जो भी हम देखेंगे वो किसको देखेंगे, दशमलव के बाद सबसे पहले चेक करना है कि दशमलव के बाद कई डिजिट्स है, दशमलव के बाद कई अंक है, दशमलव के पहले नहीं जाना, देखो ऊपर जो भी लिखते हैं ना वो दशमलव वसमलव सभी शामिल कर ले, दशमलव रहे चाहे तो सब के समेट लेते हैं, तो ऊपर देखो ना 0 2 3 सब लिख दिए और फिर घटा दिए किसको, जिस पर रेकरिंग नहीं था, लेकिन नीचे जो भी लिखेंगे वो हमेशा किसको फोकस करेंगे, दशमलव के बाद वाले, जैसे एक और क्वेश्चन है बोलो क्या है, एक और है बोलो उसमें, हाँ बोलो 3 अच्छा 5वां नंबर है इसका 3.14 2 6 7 रेकरिंग कहाँ से 1 से एकदम शुरू से लेके यहाँ तक नहीं रेकरिंग है तो पूरा पे हो गया, इसको कैसे बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे समझो, पहले 3 लिखो 1 लिखो 4 लिखो 2 लिखो 6 लिखो 7 लिखो 8 सब लिख दिए, अब घटाना है किसको, तो दशमलव वसमलव नहीं देखना है, यहाँ पे ही देखना है ना कि रेकरिंग छोड़ के बचा कौचे, रेकरिंग छोड़ के बचा कौचे, रेकरिंग छोड़ के, अरे इधर देखो विष्णु कुमार इधर इधर आज विष्णु निकल गया ना इधर, रेकरिंग छोड़ के क्या बचल है, रेकरिंग छोड़ के ये नहीं देखना है कि दशमलव के पहले है कि दशमलव के बाद है, वो सब नहीं, रेकरिंग छोड़ के बचल कौची है 3 3 घटा दो और नीचे ऐसे लिख दो 10 घटा 10 पहले जो 10 पे पावर होगा वही देखना है ना कि दशमलव के बाद कई गो नंबर है, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद क्योंकि नीचे 10 10 10 10 के बाद 6 तो पावर 6, अब 10 दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कई गो डिजिट्स है, 10 एक को डिजिट्स ने सब पे तो 0 10 दशमलव के बाद एको एको गो नहीं माने 0 10 पे पावर देखो 10 माने 10 मतलब के बाद वाला इन्हें घटाओ 3 1 4 2 6 7 लेकिन ये जा 5 बोलो 5 का है लिखे अरे घट गया आई 10 के पावर 6 माने 6 को सुनना बैठा दो माइनस में 1 उधर जैसे है 3 1 4 2 6 7 5 बटा में बोलो जो भी कितना आता है 9,99,999 अब पता नहीं हमरा 9 लाख लिखे कि नहीं लिखे 99,000 लिखा गया इतना ठीक है डरो लगता है कहीं गलती नहीं हो जाए 21वां नंबर है और 5वां है 11 के 5वां 12वां नंबर ऐसी है बन जाएगा तो होने से हाँ और अगर नहीं बनेगा तो फिर कल हम बता देंगे हाय हाय किस पे रेकरिंग नहीं है तो बहुत अच्छा बात है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे देता है तो बहुत अच्छा बात है ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो ये देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया तो कोई दिखते नहीं है तब तो कोई दिखते नहीं है 25 बटा में बन गया ये राम तो कोई सोचने नहीं क्योंकि रेकरिंग है ये नहीं सोचना तो तब पड़ता है ना जब रेकरिंग रहता है वहाँ तो रेकरिंग है ये नहीं तो जय अंक के बाद दशमलव नीचे उतना इतना हल्का है अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि 0.54 है तो बड़ी अच्छा है 54 बटा में सब कोई टेंशन ही नहीं कहे कि कई अंक के बाद दशमलव था तो नीचे 2 को 0 घटवे उठवे के कोई टेंशन ही नहीं उतना क्या टेंशन लेता वो तो तब घटाना उठाना है ना जब कब रेकरिंग रहेगा यहाँ तो कोई दिखते नहीं तो आज क्वेश्चन नंबर हो गया 12 बन जाएगा
बना लेना। हम बताए हैं तुमको 9, 10 और 11, ठीक है 9, 10, 11, बाकी हम 12 से आगे कल बता देंगे। लो आज यहीं तक, बाकी क्लास कल। हाँ वो तो नहीं कहले है, बोले की जरूरत नहीं है, नया जो होगा वो अपना सब्सक्राइब कर लेगा चैनल को।